नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू निषाद पार्टी में हुए शामिल, काफिले के साथ दर्ज कराई दमदार उपस्थिति। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना हुई प्रबल। रमाबाई अंबेडकर मैदान में शुक्रवार को निषाद पार्टी और भाजपा द्वारा आयोजित सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने सैकड़ों लोगों और लाव लश्कर गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। निषाद पार्टी भाजपा के सहयोग की पार्टी है, उसका भाजपा से प्रदेश में गठबंधन है, जिसके चलते जानकारों द्वारा पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के गठबंधन के खाते से होने वाले विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद द्वारा पूर्व विधायक को सम्मान पूर्वक पार्टी में शामिल कराया गया। पूर्व विधायक के निषाद पार्टी में शामिल होने के बाद बीकापुर में उनके समर्थकों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पूर्व विधायक के बीकापुर से चुनावी मैदान में कूदने की संभावना ने सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। पिछले दिनों जिस तरह इनकी भाजपा में एंट्री और वापसी हुई, फिर सन्नाटा फैल गया। पुराने साथियों और लोगों से लगातार संपर्क कर रहे थे। निषाद पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और समाज सेवा के लिए और उनके परिवार के सदस्य पहले भी कार्य करते रहे हैं। संयुक्त रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया और गृह मंत्री की जमकर तारीफ की। रैली में उपस्थित जनसमूह को देखकर गदगद मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में आम जनों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, देश की सीमा सुरक्षित हुई है, हर वर्ग के लोग आज भाजपा के साथ हैं। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि आज की रैली आगे का भविष्य तय करेगी और पूर्ण बहुमत से प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। रैली को अन्य विशिष्ट द्वारा भी संबोधित किया गया है। लाइव टीवी समाचार के लिए तहसील संवाददाता अनूप पांडे की रिपोर्ट।